Tutorials. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel, the red button below. So guys, today's video is all about body care routine. So guys, summers में मैं अपनी body की कैसे देखभाल करती हूँ and आप भी अपनी body की देखभाल कर सकते हैं, कैसे अपनी body की care कर सकते हैं, plus face की भी care कर सकते हैं. But मैंने ज़्यादा आज focus किया है body care पर, because क्या होता है कि summers में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें face करनी पड़ती हैं, like बहुत ज़्यादा skin problems face करनी पड़ती है, especially हमारी body के ऊपर भी. चलो face के ऊपर तो हम करते करते, but हाँ body के ऊपर भी हमें itchiness होती है, redness and small bumps and बैक एक्ने, टैनिंग, ओह माय गॉड, बहुत सी चीज़ें हैं. प्लस हमारे फेस भी बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, हमारा जो ग्लो है पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है. सो गाइज, उन सभी का सलूशन लेकर मैं आ चुकी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. सो गाइज, इन सभी चीज़ों का आपको सलूशन मिल जाएगा आज के वीडियो में. आपकी टैनिंग भी चले जाएगी, आपके जो बैक एक्ने हैं वो भी चले जाएगा, आपको इचीनेस भी नहीं होगी आपकी बॉडी के ऊपर, एंड प्लस आपका जो फेस है वो भी ग्लो करेगा, लाइक इवन इन समर्स जो कि बहुत ज़्यादा लाइक कम होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेबम प्रोड्यूस होता है, हमारा जो फेस है बहुत ज़्यादा डल लगने लग जाता है, वो बिल्कुल नहीं होगा. सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा अच्छी है आपके लिए. सो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल. सो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा. सो ज्यादा हम वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कुछ प्रॉब्लम्स लाइक लड़की लड़को दोनों को जाती है इज ब्लैक नेक, ब्लैक एल्बोज, ब्लैक नीज, है ना. ये तो प्रॉब्लम होती ही होती है, लाइक मोस्टली सबको होती है, कुछ को नहीं होती, बट हाँ मोस्टली सबको होती है. ठीक है, लाइक मुझे भी थी, बट हाँ मैंने इसको धीरे धीरे करके ठीक कर लिया है विद दिस रेमेडी. ठीक है, सो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी 100% लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी आपको. ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ आपने यूज़ करना है इसे 2 weeks तक. ठीक है, सो गाइज आपने 1 week में लाइक ज़्यादा दो, अगर आप जल्दी चाहते हैं देन आप 3 बार कर सकते हैं 1 हफ्ते में. आपको बहुत ज़्यादा लाइक क्लीन एंड क्लियर इवन टोन स्किन मिल जाएगी ऑफ योर नेक, ऑफ योर एल्बो एंड ऑफ योर नीज. ठीक है, सो गाइज देखिए कि मैं वो वाली रेमेडी कैसे बनाती हूँ. ओके, सो इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी मसूर दाल पेस्ट. सो गाइज इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 घंटे तक हमने मसूर दाल को लाइक पानी में हमने भिगो के रख देना है, एंड देन उसके बाद हमने उसमें से पानी निकाल के उसको ग्राइंड कर लेना है, तो आपको ये वाला पेस्ट मिल जाएगा. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, फेस, बॉडी. सो या आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद हमने यूज़ करना है 1 tablespoon ऑफ बेसन द ग्राम फ्लावर. उसके बाद मैंने ऐड करा है इसमें कर्ड, जो कि नॉर्मली हमारे घर में होता ही है, दही. सो गाइज आप फ्रेश दही भी ले सकते हैं, थोड़ा सा यू नो हम कहते हैं सौर कर्ड भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बस जो अवेलेबल है वो वाले यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैंने ऐड करा है इसमें लेमन जूस. गाइज अगर आपको लेमन सूट नहीं करता या फिर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, देन आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 drops इसके अंदर लेमन जूस डालिए, या फिर 5 drops, इससे ज़्यादा नहीं. पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है लेमन से, देन हाफ लेमन पूरा इसके अंदर आप निचोड़ लीजिए, सारा जूस है हाफ लेमन का उसे इंक्लूड कर लीजिए इस रेमेडी में. ठीक है, ठीक है. सो गाइस इसके बाद हम अच्छे से अपनी रेमेडी को मिक्स कर लेंगे. सो ये तैयार है हमारी रेमेडी फॉर डार्क नीज, डार्क एल्बोज एंड डार्क नेक. ठीक है, सो गाइज इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसे अपने नेक के ऊपर, अपने नीज के ऊपर, अपने एल्बोज के ऊपर. ठीक है, सो गाइज सबसे पहले मैं इसको अच्छे से अपने नेक के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, एंड साथ ही मैं इसको अपनी एल्बो के ऊपर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. तो इसको हम 10-15 मिनट ड्राई होने देंगे, एंड उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे. सो गाइज ये वाली प्रॉब्लम किसको नहीं होती इज
टैनिंग, ठीक है, और स्पेशली समर्स में तो टैनिंग होनी ही होनी है, ठीक है। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो अपनी टैनिंग को जस्ट इन 2 to 3 days। आपने लगातार इसे अप्लाई करना है, जहाँ भी आपको टैनिंग लग रही है, आपके हैंड्स के ऊपर, नेक के ऊपर, लाइक किसी भी बॉडी पार्ट में आपको जहाँ पे भी लग रही है, इवन आप अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स बेटर फॉर यू अगर आप बॉडी के लिए यूज़ करिए। मोस्टली मैं अपनी हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो गाइस थिंग इज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है टू रिमूव टैनिंग, सो आपको इसको एक ना एक बार तो ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए। सो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 tablespoons ऑफ बेसन, जिसे हम ग्राम फ्लावर भी कहते हैं, पिंच ऑफ टर्मरिक, मेरे पास वाइल्ड टर्मरिक भी, आप किचन वाली टर्मरिक भी ले सकते हैं, जिसे हम हल्दी कहते हैं। सो गाइस, जो आप किचन में से लोगे ना हल्दी, उसे बहुत कम डालिएगा क्योंकि उसका कलर ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर इंक्लूड करूँगी टोमेटो जूस, मैं हाफ टोमेटो का जूस इसमें डाल रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने इसके साथ ऐड करा है 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल। देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। सो गाइस, इसे हम यूज़ करेंगे अपने हाथों के ऊपर, जहाँ भी आपके टैन हो गए बॉडी पे, वहाँ पे इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे लगातार 2-3 दिन करेंगे, आपका जो टैन है ना वो बिल्कुल ही चला जाएगा। गाइस, 2 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज करने के बाद मैं इसको 10 मिनट तक कैसे रहने दूँगी, देन उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। सो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडी स्पेशली इन समर्स, क्योंकि ये हम मोस्टली समर्स में ही बना सकते हैं। सो हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल, कुकुम्बर एंड मिंट, एंड उसके हम स्लाइसेस कर लेंगे। मैंने जेल भी निकाली एलोवेरा में, एंड जो हमें रियल एलोवेरा चाहिए होगी इसके लिए। एंड देन उसके बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एंड देन इसको हम आइस क्यूब की फॉर्म में इसको फ्रीज कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर ऑल दी प्रॉब्लम्स, जो कि मोस्टली हमें समर्स में हो जाती हैं, स्पेशली ऑन बॉडी। एंड प्लस आप इसे अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर फेस। एंड इससे आपकी स्किन है वो ग्लोइंग भी होती है, एंड प्लस आपकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होती है, एंड प्लस आपकी बहुत सी प्रॉब्लम इससे ठीक भी होती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर रोज़। तो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 tablespoons ऑफ मसूर दाल पेस्ट, जो कि हमने पहले बना लिया था, 1 tablespoon ऑफ ऑरेंज पील पाउडर, एंड 1 tablespoon ऑफ सैंडलवुड पाउडर। गाइस, इन दोनों पाउडर में से आप एक पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप इसके अंदर बेसन ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू। एंड देन उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ड एंड 1/2 tablespoon ऑफ हनी। गाइस, वैसे तो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत सारे मास्क हैं इन माई स्किन केयर लिस्ट, बट ये वाला जो मास्क है इट्स वेरी वेरी गुड स्पेशल फॉर लाइक ग्लोइंग स्किन इन समर्स। थिंग इज कि इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो रिलैक्स होती है, आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलता है। मसूर दाल पेस्ट इज लाइक अमेजिंग इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन, एंड प्लस इससे क्या होता है कि जितनी भी डर्ट पॉल्यूशन आपकी स्किन में चली गई है वो भी आपकी स्किन से क्लीन होती है, एंड आपकी जो स्किन है वो इंस्टेंट ग्लो करने लग जाती है। इट्स वेरी वेरी गुड, एंड आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गाइस, इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 tablespoons ऑफ पोटैटो जूस, 2 tablespoons ऑफ कुकम्बर जूस। सो गाइस, इससे क्या होगा, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो गाइस, मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हाँ दीदी आप डार्क सर्कल्स के लिए कोई रेमेडी बताओ, तो गाइस मैंने सोचा कि आपको बता ही देती हूँ इस बार। एंड प्लस आपने सिर्फ इसे बनाना है एक बार, ठीक है, देन आप इसको लाइक 5 दिन या फिर 6 दिन तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा जो पोटैटो जूस है उसका कलर ब्राउनिश सा हो जाता है, बट नहीं ये ठीक रहेगा अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे। गाइस, आपने एक बार ये आईपैड उसके अंदर रख लेने हैं, एंड जब वो लाइक कूल डाउन हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से आपकी पफिनेस को भी रिमूव कर देंगे, एंड प्लस आपके डार्क सर्कल्स भी चले जाएंगे। इसको मोस्टली आप रात को करिएगा 10 मिनट ऐसे रखने के बाद। अगर आपके पास कोई भी विटामिन ई ऑयल है या फिर आलमंड ऑयल है या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर है अच्छा सा, उसे आप अंडर आइज के ऊपर मसाज करके एंड देन सो जाइए आप हर रोज करिए फॉर अमेजिंग रिजल्ट्स। तो गाइस, सुंदर प्यारे नेल्स कौन नहीं चाहता, सो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी फॉर लॉन्ग नेल्स। सो गाइस, आपको चाहिएगा 2 tablespoons ऑफ एलोवेरा जेल एंड 2 vitamin E कैप्सूल, एंड देन इसको हर रोज लगाना है 2 times सुबह एंड रात को, इसको ऐसे लगा के मसाज करके अपने नेल्स को, एंड देन सो जाना है फॉर अमेजिंग रिजल्ट्स। गाइस, लास्ट टाइम समर स्किन के रूटीन में मैंने ये वाले डिटॉक्स वाटर पिया, एंड मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप बता दीजिए दीदी आपने ये डिटॉक्स वाटर बनाया कैसे। सो गाइस, हमें चाहिए होगा कुकुम्बर, जो भी आपके पास अच्छी अच्छी
फ्रेश चीज़ें हैं वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं, जैसे कि कोकम्बर हो गया, मिंट हो गया, लेमन हो गया, एंड मेरे पास एप्पल था तो मैंने एप्पल भी ऐड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, सो गाइस हमने ऐसी एक बॉटल ले लेनी है जिसमें हमने पूरा उसके अंदर पानी भर लेना है ऊपर तक, देन उसके अंदर हमने ये सभी चीज़ें जैसे हमने इसको स्लाइस करा हुआ है ऐसे इसके अंदर हमने डाल देनी है। ठीक है, सो गाइस मैंने इसके अंदर लेमन जूस भी इंक्लूड करा है, ये आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं देन आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। एंड देन हमने इसको पूरा दिन इसको ऐसे ही रखना है फ्रिज में, एंड थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे फिनिश करना है एक दिन में, नेक्स्ट डे फिर से बना लेना है। सो गाइस इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, एंड आपकी स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाए रखता है, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, स्किन भी अच्छी रहती है। सो गाइस ये थी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी फॉर ऑल माई प्रिटी लेडीज गर्ल्स आउट देयर, जो कि लाइक समर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना चाहती है अपनी स्किन का एंड बॉडी का। गाइज रेमेडीज तो मैंने बता दी, पर अगर आप चाहते हैं कि ये सभी रेमेडीज डबल एंड ट्रिपल आपके ऊपर काम करें एंड जल्दी काम करें, तो आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस तो लानी पड़ेंगी, एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करने को। अगर आप यही थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ना अपनी ज़िंदगी में चेंज, आपकी जो स्किन है, बॉडी है, वो हेल्दी रहेगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कोकोनट वाटर जूसेस पीने हैं, प्लस आपने फ्रूट्स खाने हैं अच्छे अच्छे जो भी समर्स में अवेलेबल होंगे, एंड प्लस बाहर जाना है, फेस कवर करके जाना है, सनस्क्रीन लगाए बिना तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस ये थी आज की मेरी समर बॉडी केयर रूटीन, एंड गाइस आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड जैसे आप प्यार दिखाते हो वैसे आप मेरी इस वीडियो को भी प्यार दिखाओगे। लव यू।